कि जन जन को जगाएंगे, जन जन को जगाएंगे, विकास का नया दौर हम लाएंगे। मौजूदा समय में जो सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की हम देखी है, आज सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र का हर बुजुर्ग, हर माँ, हर भाई, हर युवा, हर पंचायत प्रतिनिधि, हर बाशिंदा इस बात के दर्द को समझने के लिए मजबूर हुआ है कि कहीं ना कहीं इस सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के साथ अन्याय हो रहा है। इस सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी हो रही है। इस सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव हो रहा है। इस बात के दर्द को हम सब लोग समझते हैं। इस दर्द को समझते हुए 5 महीने के लिए हम घर घर जाएंगे, घर घर दस्तक देंगे, एक पर्चा हम ले जाएंगे, एक स्टिकर हम खिड़की के ऊपर चिपकाएंगे, पानी की टंकी के ऊपर चिपकाएंगे। 7:30 बजे, 8 बजे हम इस यात्रा को हर दिन शुरू करेंगे, रात को अंधेरा होने तक, और गांव के अंदर ही जिस गांव में अंधेरा होगा उस गांव में रुकने की कोशिश हमारी होगी, उस गांव में रात गुजारने की कोशिश होगी। ये जो मांग पत्र है, इस मांग पत्र के साथ हर गांव की दुख तकलीफ को हम इसमें शामिल करेंगे, हर मां के दर्द को इसमें शामिल करेंगे। ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के जो बुद्धिजीवी बुजुर्ग हैं, आज उनके मान सम्मान के ऊपर हमला हुआ है। आज उन्होंने जो राजनीति तैयार की है, उस राजनीति को चुनौती दी है हुक्मरानों ने, उस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। ये जो प्रदेश की सरकार हिमाचल प्रदेश में बैठी है, ये जो कुछ मंत्री बैठे हैं, इनकी जो बंदर बात है, इनकी जो नीयत है, इस खोटी नीयत को हम चुनौती देते हैं, उनकी औलादों को भी हम चुनौती देते हैं। ये अपने बाप का नाम हटाकर जरा फील्ड में आइए, कोई नहीं आपको पहचानता, कोई नहीं आपको पहचानता। ये जो लूटपाट आपने की है, ये जो सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के साथ आपने अनदेखी की है, क्या हुआ, क्या हुआ जब हमारी माँ धर्मपुर में गई मंत्री के पास, हमारा भाई शिमला गया सचिवालय में, सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र का बच्चा, हमारा भाई उसकी अर्जी को, उसकी एप्लीकेशन को उसके मुंह पर मारकर फेंका गया। ये बेइज्जती हमारे युवाओं ने सहन की है सचिवालय के अंदर, सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के युवाओं ने। इस बात को हम समझते हैं, इस बात को हम चुनौती देना चाहते हैं। कर्नल साहब, कौन सी नौकरियां, ये कहां मिली, ये किसके दफ्तर से मिली, कहां इसकी इंटरव्यू हुई, किसी बच्चे को अप्लाई करने का मौका नहीं मिला। ये जो लूटपाट आपने की, ये जो बंदर बांट आपने की, इसके खिलाफ सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के युवाओं में जाएंगे, सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को जागरूक करेंगे, इस लड़ाई को तीखा करेंगे, इस लड़ाई को और ज्यादा आगे ले जाएंगे। मैं आपकी तरह एक साधारण परिवार से संबंधित हूँ, आपकी तरह ही मेरा जीवन यापन है। मेरे पास जितनी मेरी योग्यता है, जितनी मेरी काबिलियत है, उस आधार के ऊपर इस लड़ाई को हमने लड़ने की कोशिश की है, और आने वाले समय में इस लड़ाई को हम और ज्यादा तीखा आप सबके सहयोग से करेंगे। आज इस पदयात्रा का हम यहाँ से ऐलान करते हैं। बहुत सारे मुद्दे जो है अभी छूटे होंगे। ये जो घर घर हम पर्चा ले जाएंगे, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है, आउटसोर्स कर्मी जो है उनको पक्का करने की बात है, मनरेगा की स्थिति खराब है, पंचायतों में सीमेंट नहीं मिल रहा है, विकास के कार्य रुके हुए हैं। जाओ क्षेत्र में हम एयरपोर्ट की बात करते हैं, उस एयरपोर्ट को लेकर क्यों आप बल को उजाड़ना चाह रहे हो, क्यों आप हमारी जमीन पर एयरपोर्ट नहीं बना सकते। इन सारे सवालों को लेकर अस्पतालों की स्थिति खराब है, स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, हड्डी का प्लास्टर नहीं होता है। ये जो सारे मसले हैं, एक एक मसले को हमने इस मांग पत्र में शामिल किया है। हर घर में जाएंगे, उसके लिए 4 महीने 5 महीने इस जंग का हम आज यहाँ से सरकाघाट से ऐलान करते हैं। मैं अभी ज्यादा बात ना कहता हुआ आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, मीडिया के मेरे भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। आप इस बात को गांव-गांव में पहुंचाएंगे, और जब जब हम गांव में जाएंगे, ये जो जन चेतना पद यात्रा है, जब गांव-गांव में जाएगी तो इसको सहयोग मिलेगा, माता इसको सहयोग देंगी, युवा इसको सहयोग देंगे, बुजुर्ग इसको आशीर्वाद देंगे। इस उम्मीद के साथ
कि अभी हम जो है इस पदयात्रा का शुभारंभ करते हुए यहाँ से बस स्टैंड तक नीचे तक जाएंगे और यहाँ से फिर आप सबको हम अपने घरों की तरफ आप जाएं। मैं आप सबका जो है धन्यवाद करता हूँ एक बार पुनः दिल की गहराइयों से कि सरकार घाट के हकों के लिए अगर हमें कुछ भी इसके लिए करना पड़े, लड़ना पड़े, इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। और जो सरकार घाट विधानसभा क्षेत्र है, इसको जितना आप दबाने की कोशिश कर रहे हो, ये दबने वाला नहीं है। ये आवाज जो है और ज्यादा उठेगी। आप सभी का एक बार पुनः दिल की गहराइयों से मैं आप सबका धन्यवाद। पार्क वहाँ बनते हैं जहाँ खुली जगह हो। यहाँ पैदल चलने के लिए जगह नहीं है, गाड़ी को चलाने के लिए जगह नहीं है। एक ऐसी जगह आप सरकार घाट की बर्बादी का प्रतीक जो है यहाँ पर बनाना चाहते हो। ये पुरानी बिल्डिंग है, पुराने खंडर है, पार्किंग की क्या स्थिति है? वही नुमाइश आपने सरका घाट के बाजार को नुमाइश बना दिया। सरका घाट के बाजार के लोग दुखी हैं, सरका घाट बाजार के व्यापारी दुखी हैं। इसके बाद चलिए आप गांव में, नवाई पंचायत से शुरू कीजिए। गेहूं की फसल बीती है, पूरी फसल तबाह हो जाएगी एक महीने बाद। हमारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए कितने आंदोलन हमने किए, कितने धरने प्रदर्शन हमने किए, इस बात को आप जानते हैं। हटड़ी क्षेत्र के अंदर आज SDM दफ्तर की जरूरत है। कॉलेज में साइंस कक्षाएं नहीं है, मिनी सचिवालय चाहिए इस तरीके का। एक छत के नीचे सारे दफ्तर हो। पोंटा में या धनवान में उप तहसील का दफ्तर चाहिए। भद्रोता क्षेत्र में उप तहसील है, बिल्डिंग नहीं है, वहाँ पर तहसील चाहिए। ATM नहीं है, सड़कें नहीं है, सड़कें कच्ची है, सड़कों में बसे नहीं है। और ये जो आपने रूट ले गए, ये जो आप रूट ले गए धर्मपुर और 121 आपने स्टाफ का तबादला किया, इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। ये जो लॉन्ग रूट की बसें आप ले गए, ये जो सरका घाट को आप तोड़ना चाहते हैं, सरका घाट को तोड़कर जो है किसी के हित पूरे नहीं होंगे, इस बात को आप समझ लो। सरका घाट को तोड़ना बंद करो, इस सरका घाट को बर्बाद करना बंद करो। पानी के महकमे में आपने देखा धर्मपुर विधानसभा के लोग सरका घाट विधानसभा क्षेत्र में पानी छोड़ते हैं नल के, वो भी नौकरी कौन सी, 3400 रुपए की नौकरी, 110 रुपए दिहाड़ी। एक बच्चा अगर जाता है, एक टिंडर जॉय लेता है, एक चॉकलेट लेता है, 110 रुपए एक बच्चे का खाने का दुकान में खर्चा हो जाता है एक दिन का।